और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुजाति विभाग के हैं वो भी लिलोटिया जी भी आए हुए हैं। आज हम जो 59 हमारी जो SC की सीटें हैं उस पर किस तरह से लीडरशिप तैयार किया जाए, किस तरह के कार्यकर्ता उनकी ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि हमेशा परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीटें रिजर्व जो सीटें हैं वो ज़्यादा आती रही है, उन सीटों पे फोकस करने के लिए आज हम लोगों ने चर्चा रखी है। इसमें हमारे प्रदेश के नेता, जिलाध्यक्षों को इसमें सम्मिलित किया गया है और राष्ट्रीय नेता केराजू जी और हमारे जो लिलोटिया जी है जो अनुजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हिस्सा लेंगे। हम सब बैठ करके और गंभीरता से चिंतन करके और आगे के जो चुनाव का समय बाकी रह गया है उसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे और इस तरह से चर्चा करें जिससे कि वो सीटें अधिक से अधिक कांग्रेस के खाते में आ सकें। और आप जानते हैं जिस तरह से गहलोत साहब ने अभी इस महंगाई में जो राहत देने का काम किया है, जो गरीब तबका है उसके लिए विशेष पैकेज दिया है, किसानों के लिए विशेष पैकेज दिया है, आज हमारा जो गैस की टंकी है जो 1100 रुपये में दे रहे हैं उज्ज्वला की, आज वो 500 रुपये में टंकी देने का काम हुआ है, बिजली 100 यूनिट और 2000 यूनिट किसानों को, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं पे भी चर्चा करेंगे। और विशेष जो फोकस रहेगा कि हमारी लीडरशिप कैसे तैयार हो, अच्छा कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हो, जिससे कि जो अनुजाति और जनजाति की हमारी सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आए। देखो सर, एक कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहा है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हमारी सरकार आई तो बजरंग दल को बैन करेंगे, PFI के कांग्रेस राजस्थान में आपकी सरकार देखिए तो या क्या बजरंग दल, जहां तक आप बजरंग दल की बात कर रहे हो मुझे दुख होता है इस बात का कि RSS के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बजरंग दल में अगर आप देखेंगे वो लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं जो इनका बैकग्राउंड आपराधिक है, कई जिलों में अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और संगीन मुकदमे हैं, उन लोगों को चुन चुन के बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने बजरंग बली जी का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये जो देवताओं के नाम पे दल बनाकर और जिस तरह से ये अपराध कारित कर रहे हैं उस बात के विरोध के अंदर कर्नाटक में फैसला किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1948 में जब महात्मा गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस वक्त तत्कालीन जो गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने RSS पे बैन लगा दिया। और आज जिस तरह से ये RSS बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भर्ती करके जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और उन्होंने कहा है कर्नाटक में कि जिस तरह से जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम लोग इस संगठन पे बैन करेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गोदी मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करती है। आज मुझे दुख होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बजरंग बली के ताला लगा रहे हैं, पहले राम जी का ताला लगा दिया था। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर यदि हमें प्रजातंत्र को मजबूत रखना है तो हमें संविधान को मजबूत रखना पड़ेगा। और जो इन्होंने धर्म के नाम पर आग लगाकर संविधान को खत्म करने की साजिश करते हैं, ये लोग प्रजातंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, RSS के लोगों को जगह जगह इन्होंने बिठा दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि पूरे अगर विश्व में देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसकी थूथू हो रही है, प्रधानमंत्री जी की थूथू हो रही है। इसलिए ये हर मुद्दे को घुमा फिरा करके और गलत रूप से जनता के सामने प्रसारित करते हैं, प्रचार करने का प्रयास करते हैं। हम उसका विरोध करते हैं और हम फिर कहना चाहते हैं कि ये वही पार्टी है जिसने आज़ादी दिलाई, यही पार्टी है जो संविधान के आधार पर इस देश को यहाँ तक लाई। और हम लोग जो ये गलत नीति के आधार पर देश को खंडन करना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करेगी। और जैसे पहले अंग्रेजों को भगाया उसी प्रकार ये मोदी और अमित शाह जो हिटलर की चाल चल रहे हैं इनको भी सत्ता से बाहर करें। राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करेंगे क्या? आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल अगर करना यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। पार्टी बैठ कर डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूँ। हमारा प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व वो सारे बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे। और अगर हमें महसूस होगा कि ये जगह जगह अपराध कारित कर रहे हैं और बजरंग दल के नाम पर
जैसे कई बार देखते हो आप जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको छूट नहीं देगी।